हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल पीएमसी मीडिया में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे 21 फरवरी को रिलीज हुई कनाडा मूवी पॉपकॉर्न मंकी टाइगर। जी हाँ दोस्तों, ये फिल्म का नाम है पॉपकॉर्न मंकी टाइगर के टोटल 5 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। और साथ ही साथ दोस्तों बताएंगे इस फिल्म ने टोटल कितने कलेक्शन किए हैं और इस फिल्म को हिट होने के लिए कितना बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना है। तो दोस्तों देखते रहेगा पूरा वीडियो। दोस्तों अगर आप भी नए हैं तो हमारे चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, जैसे ही लेटेस्ट अपडेट डालें आप तक पहुँच जाए सबसे तेज सबसे पहले। दोस्तों अगर बात की जाए पॉपकॉर्न मंकी टाइगर के पब्लिक रिव्यू के बारे में, तो दोस्तों आपको इस फिल्म की कुछ प्रशंसा बता दे रहे हैं। दोस्तों आपको काफ़ी अच्छी खासी रेटिंग हासिल है। यह फिल्म एक अलग ही टाइप की फिल्म है। आपको देखने के बाद मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ, ये आपको देखने के बाद ये फिल्म में काफ़ी मज़ा आने वाला है। दोस्तों ये फिल्म की कहानी इतनी लाजवाब है कि हर सेकंड पे आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल सकता है और आपको ये फिल्म अंत तक बोर नहीं करने वाली। दोस्तों इस फिल्म को डायरेक्ट किया है दुनिया सूरी ने। फिल्म के प्रोड्यूसर हैं सुधीर के एम। अगर बात की जाए इस फिल्म की मेन स्टार कास्ट की, तो दोस्तों आपको बता दें कनाडा के सुपरस्टार धनंजय ने इस फिल्म में काफ़ी ज़बरदस्त एक्टिंग की है। जिस हिसाब से उन्होंने एक्टिंग की है हर तरफ उनकी प्रशंसा हो रही है। दोस्तों लीडिंग स्टार कास्ट में दिखेंगे निवेदिता। दोस्तों इस फिल्म की बात की जाए जनरल की, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म में कूट कूट कर आपको सस्पेंस क्राइम थ्रिलर देखने को मिल सकती है। दोस्तों इस फिल्म की रनिंग टाइम काफ़ी कॉस्टली है। इस फिल्म के रनिंग टाइम है लगभग 135 मिनट। म्यूजिक दिया है रामचरण ने। अगर बात की जाए इस फिल्म की मूल रूप से बजट की, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की प्रोडक्शन कॉस्ट यानी कि फिल्म बनकर तैयार हुए लगभग 11 करोड़ के बजट में। प्रिंट पब्लिसिटी कॉस्ट लगभग 3 करोड़। टोटल इस फिल्म के बजट होते हैं लगभग 14 करोड़। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म की स्क्रीनिंग के बारे में, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म को इंडिया में रिलीज किया गया लगभग 900 स्क्रीन पर। ओवरसीज में इस फिल्म की स्क्रीन मिले हैं लगभग 150। टोटल इस फिल्म के स्क्रीन होते हैं लगभग 1050। दोस्तों अगर बात की जाए इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म ने फर्स्ट डे कलेक्शन किया था लगभग 2.80 करोड़ का, जो कि बजट के हिसाब से बेहद ही शानदार कहा जा सकता है। दूसरे दिन माउथ पब्लिसिटी अच्छी होने के कारण दूसरे दिन ग्रोथ देखने को मिला था। दूसरे दिन इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 3 करोड़ के आसपास। तीसरे दिन यानी कि संडे को इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 3.30 करोड़ का। बात की जाए चौथे दिन यानी कि सोमवार को हल्का सा गिरावट देखने को मिला था। सोमवार को इस फिल्म ने कलेक्शन किया था लगभग 2.50 करोड़ के आसपास। दोस्तों अगर बात की जाए मूल रूप से इस फिल्म के 5वें दिन की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो 5वें दिन जिस हिसाब से उसका पेंसिल जो डाटा सामने निकल के आई है, 5वें दिन यह फिल्म कलेक्शन कर सकती है लगभग 2.50 करोड़ के आसपास। दोस्तों इस फिल्म के टोटल 5 दिनों में इंडिया नेट कलेक्शन होते हैं लगभग 14.26 करोड़ का, वहीं इंडिया ग्रॉस कलेक्शन होते हैं लगभग 17.50 करोड़ का। ओवरसीज से इस फिल्म ने कलेक्शन किया है लगभग 4 करोड़ के आसपास। दोस्तों इस फिल्म के टोटल आल कलेक्शन होते हैं लगभग 21.50 करोड़ का। दोस्तों अगर बात की जाए फिल्म को हिट होने के लिए कितना कलेक्शन करना है, तो दोस्तों आपको बता दें इस फिल्म की बजट थी लगभग 14 करोड़। इस फिल्म ने राइट्स काफ़ी अच्छे दाम में बेचे थे। इस फिल्म ने अभी से लगभग 21.50 करोड़ का बिजनेस कर लिया। अभी इस फिल्म को काफ़ी लंबा समय भी बाकी है। तो दोस्तों इस फिल्म ऑलरेडी ये पहले हिट के वागन में जा चुकी है। तो दोस्तों क्या लगता है फिल्म कितना कलेक्शन कर सकती है, जो भी हो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, आप भी अगर कुछ डिफिकल्ट जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। दोस्तों हमारे चैनल से बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।